Hello guys, so this is Tripti Mishra and I'm new on YouTube. So this is my very first video on YouTube. And this video is all about questions and answers regarding me. So मैंने दो दिन पहले Instagram पे story डाल था. नहीं, एक मिनट. पहले अगर आपने मुझे Instagram पे follow नहीं किया है तो मुझे follow कर दीजिए. और ये है मेरी Instagram ID. चल जल्दी जल्दी follow कर, मैं देख रही हूँ. Follow कर लिए? वेरी गुड. तो मैंने दो दिन पहले इंस्टाग्राम पे डाला था कि मैं एक न्यू यूट्यूब चैनल बना रही हूँ और मुझे उसमें सबसे पहला वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर वाला करना है ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं आप लोग के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ. तो टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो के अंदर घुसते हैं और मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी. थोड़ा फिल्मी हो गया, आई नो दैट. चलो 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 चलो, तो हम घुस चुके हैं हमारे वीडियो में, मतलब मेरे वीडियो में. अच्छा जो था, सॉरी मैं बहुत ज्यादा टाइम पास हूँ, डोंट माइंड. हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम _.size_22. सो दिस इज साक्षी, माय वेरी ओन फ्रेंड. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन योर टॉप फर्स्ट टू टॉप फाइव फ्रॉम योर बकेट लिस्ट. तो आई हैव मेनी बट मैं फाइव ही बोलूंगी. फर्स्ट इज मुझे अपने खुद के इनकम से, मेरे खुद के कमाए हुए पैसे से या तो मर्सिडीज बेंज खरीदनी है या फिर BMW. एंड आई होप सो कि वो जल्दी से पूरा हो जाए और मेरे हाथ में चाबी हो और मैं नेक्स्ट ईयर 18 की हो जाऊंगी तो मैं चला भी सकती हूँ. तो सेकेंड है आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई वॉन्ट सी द होल वर्ल्ड. मुझे हर जगह जाके अपने लिए सामान लेना है, फोटोज क्लिक करनी है, वही एक्सप्लोर करना है. थर्ड इज आई वॉन्ट टू विजिट आईफिल टावर, मतलब पेरिस, और मुझे फोटोज खींचनी है, नीचे से खींचते हैं ना वो आईफिल टावर ऊपर दिखता है. वैसे मेरी हाइट तो छोटी है तो मैं तो कम दिखूंगी, पर आईफिल टावर पूरा दिखेगा. मैं बहुत ज्यादा बक बक करती हूँ तो बक बक पार्ट को मैं टाइम लैप्स पे डाल दूंगी. हाँ, फोर्थ है मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है. मुझे अंदर पानी में क्या क्या चलता है वो देखना है. स्कूबा डाइविंग करनी है और मुझे बंजी जंपिंग करनी है. मुझे बंजी जंपिंग सिंगापुर में भी करनी है, मतलब मैंने एक वीडियो में देखा था सिंगापुर में बंजी जंपिंग. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने तारक मेहता में देखा था. और मुझे वहां पे बंजी जंपिंग करना है, पर बोलते हैं कि एक्सप्लोर करना है दुनिया, तो मैं हर जगह जाके बंजी जंपिंग करूंगी. हाँ डर लगेगा, मैं बहुत बड़ी फट्टू भी हूँ, पर जाएंगे जाएंगे. हाँ, तो नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम साक्षी डे 15 टाइम्स कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलो विदाउट रीटेक. तो मेरा जो एम है वो एक शॉट में पूरा वीडियो लेने का है, पर मुझे पता है वो होगा नहीं, लेकिन मैं ये रीटेक नहीं दूंगी. हाँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 मेरा भी फिर, पर मैं 10 बार बोली वो बहुत होता है. हाँ, तो नेक्स्ट इज फ्रॉम तृप्ति वी मिश्रा 143. तो योर अपकमिंग टीवी शो मुझे बताना, अभी बताऊं मैं सरप्राइज. ओके सॉरी. हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आर यू मिसिंग अनुष्का एंड द झांसी की रानी सेड # मंजरी वाइब्स. ओके. हाँ, तो आई मिस अनुष्का, लाइक शी इज अ वेरी नाइस पर्सन इन रियल. तो आई मिस हर, इवन आई मिस द झांसी की रानी सेट, बहुत सारी मेमोरीज थी. और मैं मंजरी कैरेक्टर को मिस करती हूँ क्योंकि वो, मतलब वो जो 6 महीने थे जो हम लोग ने शूट किए, मैं जिस रोल के लिए शूट की, इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. तो हाँ, आई मिस दैट, बट होता है कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा. तो आई होप कि हम आगे जाके भी काम करें, सब अच्छे से काम करें, सब झांसी की रानी टीम. सो आई जस्ट होप दैट.
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम असीम डॉट सी. हैव यू एवर डांस्ड ऑन सैड पंजाबी सॉन्ग? नो. मैं वो ओ हो सब बेकार डांस. सैड पंजाबी सॉन्ग में डांस नहीं किया. हाँ, थोड़ी सी ऐसे हिल गई होंगी, ऐसे ऐसे हिल गई होंगी, पर डांस कभी नहीं किया. हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम असीम डॉट सी. क्या, what do you do and how have so much, ye kya hai, what do you do and how you have so magarmach followers kya hota, I guess wo how you have so much followers hoga ya fir meri bezatti hogi kitne kam followers ki hai. Agar ye zyada followers ke liye hai to होते गए फॉलोअर्स जैसे जैसे पोस्ट के, और अगर ये कम फॉलोअर्स के लिए है तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि मैं मेरी लाइफ मेरे फॉलोअर्स डिसाइड नहीं करते, मैं अपनी लाइफ खुद डिसाइड करती हूँ. तो हाँ, अगर कम भी है फॉलोअर्स तो आई डोंट केयर कि मतलब बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं बढ़ने होंगे तो नहीं बढ़ेंगे, इट्स ओके. वो मेरी सोशल लाइफ मेरी पर्सनल लाइफ तो नहीं बन जाएगी. सो दैट्स द पॉइंट. हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आपके एक्टिंग करियर के बारे में शुरू से शॉर्ट में बताइए, एक्टिंग जर्नी इन शॉर्ट. इट्स द क्वेश्चन इज फ्रॉम 18.shivam. तो मैंने तो ऑलरेडी बता दिया कि मेरी एक्टिंग करियर क्या थी, पर अगर ये जानना है कि मतलब इस लाइन में घुस के मतलब ये शूटिंग करके फिर मेरी एक्टिंग करियर क्या थी, तो मतलब उसमें मैंने बहुत पेशेंस रखा अपने अंदर. ऐसे तो नहीं था कि एक शूट खत्म हुआ दूसरा शूट मिल गया, एक शूट खत्म हुआ दूसरा शूट मिल गया. तो हाँ, मैंने मतलब ऑडिशन दिए, एक शूट मिला, फिर थोड़ा ब्रेक हुआ, फिर ऑडिशन दिए, फिर दूसरा शो मिला. तो इट वाज गुड और थोड़ा सा हेक्टिक भी था. तो हाँ, चलता गया, ऑडिशन देती गई और ऑडिशन के बेसिस पे, मेरे टैलेंट के बेसिस पे मुझे शोज मिलते रहे. सो आई एम ब्लेस्ड. हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अंडरस्कोर इट्स हिमांशु. आगे का वो क्या है, सॉरी ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, ये दिखा रहा है, इसका पूरा नाम नहीं बता. हाँ, _it_himanshu_07. इन विच सिटी यू लिव? आई लिव इन मुंबई. हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहन उजेर 2019. सॉरी वो 2019 है या 2019 बोल देती हूँ. चैनल का क्या नाम होगा? चैनल का नाम कुछ अच्छा ही होगा, आप देख लेना. कुछ जब सब्सक्राइब करने आओगे ना, सब्सक्राइब और लाइक करने आओगे तो चैनल का नाम भी देख लेना. हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुक्ता तराले, आपको घर पे क्या बुलाते हैं? कभी प्यार मुझ पे आया तो बेटा बुला देते हैं, कभी ज्यादा प्यार आया तो बाबू बुला देते, कभी गुस्सा आया तो कुतिया बुला देते. मैं बहुत नाम अजीब स्पेल कर रही हूँ, सॉरी. आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड नहीं है भाई, मेरे मतलब ऐसे 4-5 लोग का ग्रुप है, मैं सबको इक्वली ऐसे ट्रीट करती हूँ, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है. सब मेरी, अगर गर्ल्स में जाएंगे तो सब मेरी बहनें, ऑल ऑफ देम आर सिस्टर्स, नो बेस्ट फ्रेंड, नो बेस्ट फ्रेंड वाला झंझट. और लड़के में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है. हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम उदित जैन. हाँ, तो द क्वेश्चन इज हेयर केयर रूटीन्स, योर्स आर जस्ट अमेजिंग. तो हेयर केयर रूटीन, मैं हेयर के लिए कुछ मतलब ज्यादा नहीं करती, मैं जितना कम वॉश कर सकते हो उतना अच्छा है. मतलब ऐसा होता है ना कि लोग ऑल्टरनेट डेज पे वॉश करते हैं, तो मैं वैसे नहीं करती, मैं हफ्ते में एक या दो बार वॉश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा. बिकॉज मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बालों में जितने कम केमिकल लगाऊं उतना अच्छा है. पर एक हेयर सैलून ने मुझे बोला था कि जितना हेयर वॉश करेंगे उतना अच्छा है, पर मतलब वो जो उन्होंने बोला वो शायद मेरे उसमें नहीं गया, मेरे दिमाग में नहीं गया. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल अगर मैं हेयर वॉश कम करूँ वही ज्यादा अच्छे होते, क्योंकि केमिकल जितने कम जाए उतने अच्छे हैं. और मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उससे पहले मैं कभी कभी तेल लगा लेती हूँ
नारियल का तेल लगा लेती हूँ, कुछ एलमंड वेलमंड नहीं. हाँ पता है नारियल थोड़ा सा स्मेल करता है, बट नेक्स्ट डे इफ यू बट द नेक्स्ट डे इफ यू वॉश योर हेयर प्रॉपरली वो स्मेल नहीं करेंगे, वो सिर्फ शैम्पू की अच्छी स्मेल आएगी. हाँ, और मैं शैम्पू अगर कोई मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं कौन सा यूज करती हूँ, तो आई यूज पैंटीन. और क्या कर सकते हैं, और हेयर मास्क लगा सकते हैं, पर वो वाला नहीं, दुकान वाला नहीं, घर पे बना के दही लगा लो. नींबू कभी बाल में मत लगाना, वो सिट्रिक एसिड होता है तो वो नहीं लगा सकते. हाँ, दही लगा लो, ऑनियन के रस लगा लो, वो स्मेल गंदा करता है नो, पर हाँ अच्छा. जो एग लगा सकते हैं वो एग लगा सकते हैं, मैं एग नहीं लगाती क्योंकि मैं एग ना ही खाती हूँ ना ही एग लगाती हूँ. हाँ वही. फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम हिम ओनली, टॉप 10 प्रोडक्ट्स फॉर डेली यूज. तो मैं जो यूज करती हूँ वो एक फर्स्ट है एलोवेरा जेल फ्रॉम पतंजलि, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली. जो मजाक उड़ाते हैं पतंजलि का, मुझे उनका नहीं पता, पर मेरे साइड से एलोवेरा जेल तो काफी अच्छा है और मैं वो रोज सोने से पहले लगा लेती हूँ. कभी भी मैं नहा के आती हूँ और अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई कहीं मेकअप वेकअप नहीं करना है, कहीं नहीं जाना, तो मैं एलोवेरा जेल से 5 मिनट मसाज कर लेती हूँ, फिर मैं आइस लगा लेती हूँ. आइस जितना फेस पे लगाए उतना अच्छा होता है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो काफी अच्छा है. फिर परफ्यूम, हाँ डिओड्रेंट तो सबको चाहिए रहता है, परफ्यूम, लिप बाम, वैसलीन और फेस वॉश. मैं पर्सनली उसका फेस वॉश यूज करती हूँ, वाओ का फोमिंग फेस वॉश, तो इट इज गुड फॉर मी, वो हर स्किन टाइप के लिए अच्छा है, तो यू कैन यूज दैट. और ये 6-7 प्रोडक्ट है जो मैं डेली यूज करती हूँ, तो हाँ वो हो सकता है, करेक्ट. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम हिम, स्किन केयर. तो स्किन केयर के लिए मैं अपने चेहरे पे जितना होम प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो घर से बना सकते हैं, जैसे हल्दी का लेप लगा लिया, फिर वो होता है ना, क्या बोलते उसको वो जो ऐसे घिसते हैं, हल्दी बेसन कुछ तो बोलते हैं उसको, मैं बताऊंगी. मैं स्किन केयर पे भी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगी, वो लगाती हूँ मैं, जितना घर के हम लोग चीजें यूज कर सकते हैं, कर्ड में कर्ड कॉफी, जो अच्छे चीज स्किन के लिए अच्छे होते हैं, वो सब डाल के एक पैक बना के लगा लेती हूँ. स्क्रबिंग भी मैं घर पे उसी से करती हूँ, क्या अपना कॉफी, उसमें थोड़ा नींबू डाल लिया, चीनी डाल लिया, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया और फिर वो स्क्रब कर लो. बाहर के जितने प्रोडक्ट्स मास्क हम लोग नहीं लगाए वही अच्छा है, क्योंकि जितना केमिकल जाएगा उतना गंदा होता है फेस, मेरे परसेप्शन से. अगर आपको लगाना है आप लोग लगा सकते हैं, नो डाउट. हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मुक्ता ताल्ले, आप अपने ड्रेस पे वीडियो बनाओ. अच्छा आइडिया है, बनाऊंगी मैं, बहुत जल्दी बनाऊंगी. हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिवम पांडे 6930. तो द क्वेश्चन इज, प्लीज आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, प्लीज सजेस्ट मी हाउ कैन आई स्टार्ट. सो स्टार्ट करना है ना आपको, तो स्टार्टिंग अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, गो फॉर इट. और अगर स्टार्ट करना है मुंबई में काफी ज्यादा जगह है, जैसे आराम नगर है, माड़ा है, ओल्ड माड़ा, फोर बंगलोज, वहां पे ऑडिशन चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं, आपको कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं होती. कई कई जगह रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप जहां भी जाओ आप नंबर ले लो, ताकि आप कांटेक्ट कर सको और अपनी प्रोफाइल भेज सको उनको, कि जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको सामने से बता देंगे, तो आप जाके ऑडिशन दे सकते हो. और मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करना, कहीं पे भी. बहुत जगह ऐसे होता है ये लाइन में कि रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, तो जस्ट डोंट गो फॉर इट, क्योंकि ये सब उल्लू बनाने का खेल है. रजिस्टर करवा लेते हैं और फिर कुछ फीडबैक नहीं आता. हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं जेनेट के वहां पे बोल सकती हूँ. जेनेट अगर आप सर्च करेंगे तो जेनेट इज वेरी गुड प्रोडक्शन, मतलब वेरी गुड कोऑर्डिनेटर, नॉट अ प्रोडक्शन, अ वेरी गुड कोऑर्डिनेटर. तो उसमें आप अगर इन्वेस्ट करें तो इट्स गुड, बट मैं बाकी जगह तो मना ही करूंगी. मतलब अगर मेरा वो मानना है तो आप मान सकते हैं, क्योंकि मैं इस फेस से बहुत लंबे समय से गुजर चुकी हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्टर मत करवाना, कहीं भी पैसा दे के तो काम मत करना, आपको पैसा मिले वैसा काम करना.